फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेकेंड सेमेस्टर बीएड सब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस सब्जेक्ट के अंदर हम कई वीडियोस पहले भी देख चुके हैं। आई होप आपको ये सारी वीडियोस समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी बुक का, इसी सब्जेक्ट का, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे बुनियादी शिक्षा योजना 1937 के बारे में, यानी कि बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इसका बेसिक एजुकेशन का गया है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसमें है 1935, यानी कि 1935 ईस्वी को भारत सरकार एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ। मतलब ये जो एक्ट था ये कब लागू हुआ, 1935 में। परिणाम स्वरूप 1937 ईस्वी में कई प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में आई, जिससे योजना को कार्यरूप देने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसके लिए सरकार के पास बजट की कमी थी। मतलब इसके बाद इसके पास कोई भी बजट नहीं था कांग्रेस सरकार के पास। दूसरी ओर सरकार लोगों पर कर, यानी कि टैक्स, टैक्स जो होता है उसका बोझ भी नहीं डालना चाहती थी कि लोगों को टैक्स देना पड़े। गांधी जी ने इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाई कि धन की कमी के कारण शिक्षा नहीं रोकी जाएगी। तो ये थी उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो शिक्षा के लिए शिक्षा जो हमारी थी उस समय की, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट आप इसको ज़रूर लिखें, ताकि पता चल जाए कि स्टार्टिंग में क्या था हमारा इसका जो बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर वारधा में सम्मेलन, यानी कि इसके अंदर टोटली जो बेसिक एजुकेशन है उसके अंदर वारधा सम्मेलन के बारे में ही सारी चीज़ें हैं। वारधा में सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस एट वारधा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेन थी, निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जाए और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। सेकंड था इसके अंदर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, यानी कि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो था वो मदर टंग था। उसके बाद है हमारा इसके अंदर हस्तकार्य, यानी कि मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क। और फोर्थ था हमारा इसके अंदर शिक्षकों का वेतनमान, यानी कि टीचर्स रेम्यूनरेशन। तो ये चार इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेन चीज़ें थी कि किस किस चीज़ों को प्रोग्रेस करनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर वारधा शिक्षा योजना को लागू करना, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वारधा स्कीम इन एजुकेशन, या फिर ऑफ एजुकेशन जो वारधा स्कीम थी उसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना। कांग्रेस के वार्षिक जो वार्षिक सम्मेलन था कांग्रेस का, उसमें वारधा शिक्षा योजना की स्वीकृति मिल गई उस समय पर। उसके पश्चात कई राज्यों में इस योजना को लागू किया गया। मतलब जो वारधा शिक्षा योजना थी इसको कई राज्यों में लागू किया गया। प्रथम वर्ष में इसका पूरे जोर शोर से प्रचार किया गया। बुनियादी शिक्षा की पहली संस्था विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वारधा में अप्रैल 1938 ईस्वी में खोला गया। आगे क्या है, शिक्षा की वारधा योजना सहयोग अहिंसा सामाजिक समानता पर आधारित थी। मतलब इसमें सहयोग होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए और सामाजिक समानता पर आधारित होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें इसमें मेन थी। नेक्स्ट हम देखेंगे वारधा शिक्षा योजना के लिए उत्तरदायी कारक, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है इसके अंदर। सेकंड है इसमें प्रचलित शिक्षा में दोष, यानी कि डिफेक्ट इन एग्जिस्टिंग एजुकेशन। थर्ड है हमारा इसके अंदर ज्ञान प्रदान करना, यानी कि इम्पार्टिंग नॉलेज। फोर्थ है हमारा इसके अंदर व्यवसायिक शिक्षा, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर सर्वांगीण विकास, यानी कि स्टूडेंट का ऑल ओवर डेवलपमेंट या फिर ऑलराउंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सेवन्थ है हमारा इसके अंदर गांधी जी का स्वप्न, यानी कि ड्रीम ऑफ गांधी जी। और एट्थ है हमारा इसके अंदर
सर्वव्यापकता की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स जिसके ऊपर डिपेंड करती थी जो सारे फैक्टर्स थे किसके, वार्धा स्कीम के। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर वार्धा शिक्षा योजना के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। किन किन उद्देश्यों को इसने इसने अपना क्या क्या उद्देश्य बनाया कि किन किन चीज़ों को कंप्लीट करना है, इन्हें क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव हमारा जिसमें है बुनियादी क्षमताओं को बाहर निकालना यानी कि ड्रॉइंग आउट द बेसिक क्वालिटीज, स्टूडेंट्स की बेसिक क्वालिटीज़ को बाहर निकालना। सेकेंड है आर्थिक उद्देश्य यानी कि इकोनॉमिक एम, ताकि स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी चीज़ को कोई नॉलेज ले रहे हैं तो उसका उनकी इकोनॉमी को फायदा हो, उनकी इकोनॉमी बढ़ सके, उससे वो कुछ कमा सकें। थर्ड है इसके अंदर सर्वांगीण विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट में आपको पता है कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और भी एजुकेशनल, कल्चरल, हर तरीके के डेवलपमेंट उसके अंदर आ जाते हैं। फोर्थ है चरित्र निर्माण यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा आदर्श नागरिकता यानी कि आइडियल सिटीजनशिप। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और सेवन्थ है हमारा इसके अंदर आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सपोर्टिंग। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वार्धा शिक्षा योजना के। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आपको हर उसमें मिलेंगे पॉइंट्स में जो भी आपने एजुकेशन सिस्टम पढ़ा है, लेकिन इसमें भी ये यूज़ होते हैं और ये कॉमन पॉइंट्स हैं सबके। नेक्स्ट हम देखेंगे वार्धा शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम यानी कि किस तरीके का करिकुलम फॉलो किया जाता था वार्धा स्कीम के अंदर। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहली स्कीम थी इसमें बुनियादी हस्तकला यानी कि बेसिक क्राफ्ट सिखाना स्टूडेंट्स को। सेकंड था हमारा इसके अंदर गणित यानी कि मैथमेटिक्स का ज्ञान कराना। थर्ड है हमारा इसके अंदर सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। फोर्थ है हमारा इसके अंदर सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर संगीत यानी कि म्यूजिक। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर चित्रकारी यानी कि ड्राइंग सिखाना। सेवन्थ है हमारा इसके अंदर हिंदुस्तानी शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ हिंदुस्तान। एट्थ है हमारा इसके अंदर गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर मातृभाषा यानी कि मदर टंग का ज्ञान कराना स्टूडेंट्स को। और टेंथ था लास्ट हमारा चिकित्सा यानी कि मेडिकल, मेडिकल की भी नॉलेज देनी है, मेडिकल की भी एजुकेशन देनी है स्टूडेंट्स को। तो ये कुछ पाठ्यक्रम के सब्जेक्ट्स थे जो उसमें यूज़ किए जाते थे बच्चों को शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर वार्धा शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑफ वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑन इंडिया, इंडियन एजुकेशन यानी कि इंडिया की जो एजुकेशन है, भारतीय शिक्षा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा भारतीय एजुकेशन पर वार्धा स्कीम का। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारत में दी जाने लगी यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सेकेंड था राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन। थर्ड है हमारा इसके अंदर समानता आधारित यानी कि इक्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। फोर्थ है लोकतांत्रिक मूल्य यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर राष्ट्रवाद एवं धर्मनिरपेक्ष यानी कि इसके अंदर नेशनलिज्म को भी फॉलो किया गया। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर सत्य व अहिंसा यानी कि ट्रूथ होना चाहिए और उसके अंदर अहिंसा का पालन किया जाना चाहिए। सेवन्थ है हमारा इसके अंदर भारतीय भाषाएं यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ करना, उनको सिखाना, उनका ज्ञान कराना। एट्थ है प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर विद्यार्थी केंद्रित पहुंच यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी अप्रोच होनी चाहिए यहाँ तक। और टेंथ है हमारा इसके अंदर बच्चों का सर्वांगीण विकास यानी कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट। इन सारी चीज़ों पर वार्धा शिक्षा योजना का प्रभाव पड़ा यानी कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन थी वो जिस तरीके से वार्धा शिक्षा योजना के जरिए उसमें इम्प्लीमेंट किया गया, उसका भारतीय शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा। लास्ट हम देखेंगे वार्धा शिक्षा योजना 1937 के दोष यानी कि डिफेक्ट्स या फिर डिमेरिट्स ऑफ वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। तो इसमें फर्स्ट है हमारा शहरी लोगों के लिए लाभदायक नहीं, मतलब नॉन यूजफुल फॉर अर्बन पीपल। सेकेंड है हमारा इसके अंदर मनोवैज्ञानिक नहीं यानी कि अनसाइकोलॉजिकल। थर्ड है हमारे इसके अंदर हस्तकला तथा साधारण शिक्षा में कोई संबंध नहीं, नो रिलेशन बिटवीन क्राफ्ट एंड जनरल एजुकेशन। और फोर्थ है हमारा इसके अंदर सभ्यता एवं संस्कृति की ओर कोई ध्यान नहीं यानी कि नो अटेंशन टूवर्ड्स
कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फिफ्थ है हमारा इसके अंदर समय सारणी में दोष यानी कि टाइम टेबल डिफेक्ट्स, और सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर आधुनिक समय में कोई भूमिका नहीं यानी कि नो रोल इन मॉडर्न टाइम। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिक एजुकेशन यानी कि वर्धा शिक्षा योजना के बारे में पढ़ा और इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।